हेलो गाइज, कैसे आप सभी? आइए, आप सभी बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइज मेरा नाम है मोहन और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। गाइज आप सभी को पता होगा कि भाई सारी की सारी मिंजर्स दिखाई आपके भाई ने आपको। मिंजर्स में जितना भी एंजॉय हमने किया या जितनी भी वीडियोस थी आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई हमारे जो लोग नहीं आ सकते इस चंबा की मिंजर में वो भाई घर बैठे भी देख पाएँ। तो गाइज आज हम फिर से चौगान में आ चुके हैं, मार्केट में आ चुके हैं। और गाइज आज की जो वीडियो है ना, हमारे पीछे देखते ना, बांसुरियाँ ही बांसुरियाँ हैं भाई। तो गाइज आज की जो वीडियो है हमारे बांसुरी वाले भैया से शुरू होने वाली। और भैया कैसे हो भाई? बैठे हो बेटा, रेस्ट फरमा रहे हो? हैं? हाँ जी। और कैसे हो? बढ़िया भैया जी। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से, क्या बात है, कब आए थे? हम यहाँ 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, तो कैसा लगा चंबा? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? हर साल आते, बढ़िया है। बांसुरी बेचते और बजाते भी हो क्या? हाँ जी। तो गाइस हमारे भैया ना बांसुरी बजाते हैं। भैया का प्यारा सा नाम क्या है? मोहम्मद समीर। हाँ जी, मोहम्मद समीर। मोहम्मद समीर हमारे भैया का नाम है। तो अभी हमारे मोहम्मद समीर भाई बांसुरी बजा के दिखाएंगे, प्यारे से सुर और धुन निकालेंगे अपनी बांसुरी से। गाइस हम लोग सुनेंगे और आनंद लेंगे। भैया जी प्लीज कष्ट करें यार, हम सुनना चाहेंगे। क्या बात है भैया, मज़ा आ गया। कंटिन्यू सुनानी है आपने 5-6, ठीक है? 5-6 धुन निकालनी है आपने कंटिन्यू, रुकना नहीं है, मज़ा ख़राब हो जाता है भाई बीच में। क्या बोलते भैया? जी जी। कैसी लगी पहली जो धुन इन्होंने निकाली? बहुत वेरी गुड लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा ना भैया, प्लीज़ डिमांड है यार सभी की भी डिमांड रहेगी, प्लीज़ कंटिन्यू करना है आपने। गाइज आपने सुनी, क्या बात है भाई, क्लैपिंग तो होनी चाहिए भाई। क्या बात है गाइज, इन्होंने सुर निकाली अपनी, इतनी प्यारी प्यारी बांसुरी बजाई, काफ़ी मज़ा आया। भैया एक लास्ट बार बजानी अपनी फेवरेट धुन निकालनी अपने बांसुरी से, ठीक है? फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या बात है। तो गाइस एक शेर तो ज़रूर बनते हैं हमारे बांसुरी वाले भैया के लिए। और भैया बस यही बांसुरी बेचते हो ना, ठीक चला है ना यहाँ पे काम? लोग कैसे हैं यहाँ के? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। तो गाइस हमारे भैया ने बांसुरी बजाई इतनी प्यारी सी, हमारे भैया से आज की वीडियो शुरुआत होती है, आज की वीडियो की। तो भैया बाय करना है प्यार से, ठीक है? थैंक यू। और गाइस बिल्कुल साइड में हमारे एक अंकल जी बैठे हैं भाई। बढ़िया सर। बढ़िया, ठीक ठाक हो? कहाँ से हो? यूपी आगरा। हाँ जी, यूपी आगरा मथुरा वृंदावन से। ठीक है, यूपी से हो। तो ये क्या है आपके पास? ये हाँ जी मोरपंख। मोरपंख तो कहाँ से लाते हो? ये मोरपंख जी राजस्थान से आता है, आगरा से भी, हरियाणा से। असली है मोरपंख क्या? असली होता है सर। असली है, एक दिखाना मुझे। क्या बात है। तो गाइस ये हमारे अंकल जी ना मोर का पंख बेचते हैं जो कि ओरिजिनल असली है, काफ़ी प्यारा लगता है। किस किस काम आता है ये अंकल जी? किशन भगवान जी काम में आता सर, मंदिर के वास्ते काम में आता, घर में रखो, शोपीस भी है, बहुत शोपीस की मतलब शुभ चीज है, शुभ चीज़ है मान के जी। हाँ जी। और वैसे किशन भगवान जी की मूर्ति है, वहाँ रख सकते हो, ठीक है, मंदिर के लिए झाड़ा भी और वैसे सब काम में आता है। तो गाइस देख सकते हैं हमारे ना अंकल जी यूपी से हैं, ठीक है, प्यारे प्यारे मोर के पंख बेचते हैं भाई जो कि ओरिजिनल हैं, काफ़ी प्यारे और काफ़ी अल्टीमेट। एक पंख कितने का देते हो अंकल जी आप? सर क्या, एक पंख 20 रुपये का बेचते हैं। अच्छा, एक पंख 20 रुपये का बेचते हो। और कितने पंख लाए थे आप अपने यूपी से जब आए थे चंबा? 2000 पीस। 2000 पीस? 2000 पीस में कितने पीस बचे? अभी तो सर आ गया 1000 पीस बचा। 1000 बिक गया?
क्या बात है भाई, खुश हो ना अपने काम से? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ के लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है ना। तो गाइस देखो यार, किसी का काम चलता है किसी का नहीं चलता है, तो हमारे अंकल जी का काम भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। इनके 1-2 हजार पंख का टारगेट था इनका भाई, 1 हजार पंख इनके ना बिक चुके हैं, तो काफी अच्छी बात है, बिकने भी चाहिए क्योंकि बाहर से दूर से इतने आते हैं यार, कमाने आते हैं, तो मतलब पब्लिक का पूरा पूरा साथ है भाई। तो भी आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हो? हम चंबा से। अच्छा, आप तो चंबा से ही हो, ठीक लग रहा है ना, पंख है मोर के पंख। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। यहाँ पे भी हमारे कुछ भाई लोग बैठे हैं। और भैया क्या क्या करते हो आप? मस्त जी, पान का काम। पान, क्या बात है, पान मसाला। बस ठीक है भाई। आप भी पान? हाँ जी। क्या बात है, पान। भैया मैं पढ़ाई करता हूँ। हाँ जी, पढ़ाई। वो क्या होता है? क्या बोला तूने? पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या भरते हो? वही तो पूछो। भरते नहीं, पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ते हो? अच्छा पढ़ते हो अभी यार, वैसे बोलो ना, सुनने में थोड़ी दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, ये हमारे पान वाले भी है, हमारे पढ़ने वाले भी। अभी आप क्या करते हो? मैं अभी पुराने कपड़े बेचता हूँ। पुराने कपड़े? कपड़े बेचते हो, क्या बात है। कई बाहर से यार कमाने आते हैं, मतलब सही है। कैसा काम चल रहा है? काम तो ठीक है, ठीक है। चलो बढ़िया, सही भी है, ठीक भी है। बाकी कमेटी वाले परेशान कर रहे हैं भाई, जिसके भी मुंह से सुनो भाई, कमेटी वालों के लिए सुन रहा हूँ यार। कमेटी वाले परेशान करते हैं, कमेटी वाले परेशान करते हैं। इतना परेशान मत किया करो यार, 2 दिन कमाने आए, 4 दिन बैठेंगे यहाँ पे, चले जाएंगे फिर। क्या बोलते, लास्ट वाला दिन आते हैं जो हमारे को 5-10 दिन मिलते हैं ना, वो भी लगाने देते हैं हमारे को। पूरा गाइस ये था, मतलब इन्हीं से आज हमारी वीडियो की शुरुआत हुई। अभी काफ़ी प्यारा लगा इन सभी के साथ बातचीत करके, और सभी ने गाइस इन छोटे शॉपकीपर से सामान खरीदना चाहिए, ताकि ये जो दूर से आए होते हैं, इनकी ना थोड़ी रोजी रोटी चल पड़े, क्योंकि इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए ही कमाता है, तो अगर वही ना चले तो किस फ़ायदे का वो काम या